उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीतकर दबदबा बरकरार रखा। समाजवादी पार्टी ने 11 में से बाकी बची 3 सीटें जीतकर चुनौती पेश की। चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता की भलाई में नहीं छोड़ी जाएगी कोई कोर कसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के भाजपा कार्यकर्ताओं से किया सीधा संवाद, कहा लोगों की 70 साल की बकाया आकांक्षाओं को पूरा करना है भाजपा सरकार के इसी कार्यकाल में। धनतेरस के पर्व के साथ 5 दिन के दीपावली उत्सव की आज हुई शुरुआत। कल नरक चौदस, रविवार को दीपावली, सोमवार को अन्नकूट गोवर्धन पूजा और मंगलवार को मनाया जाएगा भैयादूज का त्योहार। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 11 सीटों के उपचुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां 8 सीटें जीतकर अपना दबदबा बरकरार रखा है, वहीं समाजवादी पार्टी ने बाकी बची हुई 3 सीटें जीतकर भाजपा के सामने चुनौती पेश कर दी है। वहीं दूसरी ओर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। गंगोह से भाजपा के कीरत सिंह, इगलाक से भाजपा के राजकुमार सहयोगी, गोविंद नगर कानपुर से भाजपा के सुरेंद्र मैथानी, मानिकपुर चित्रकूट से भाजपा के आनंद शुक्ल, घोसी मऊ से भाजपा के विजय कुमार, राजभर बलहा बहराई से भाजपा के सरोज सोनकर, प्रतापगढ़ से भाजपा के सहयोगी दल अपना दल के राजकुमार पाल, जलालपुर अंबेडकर नगर से सपा के सुभाष राय, जैतपुर बाराबंकी से सपा के गौरव कुमार और रामपुर से सपा की डॉक्टर तनीज फातिमा ने उपचुनाव में जीत हासिल की है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर जीत की मुद्रा में कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री ने ईमानदारी के साथ जनता की सेवा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले 5 सालों में महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता की भलाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। महाराष्ट्र में और हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र जी का भी पहला अनुभव, मनोहर लाल जी का भी पहला अनुभव, ये दोनों लोग कभी किसी सरकार में मंत्री भी नहीं थे। महाराष्ट्र में हमें गत चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, हरियाणा में हमें गत चुनाव में सिर्फ 2 सीटों का बहुमत मिला था। उसके बावजूद भी सबको साथ लेकर के दोनों मुख्यमंत्रियों ने, उनकी टीम ने 5 वर्ष तक महाराष्ट्र की और हरियाणा की जो सेवा की, ईमानदारी के साथ राज्य के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए अविरत कार्य करते रहे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद इन 2 राज्यों में चुनाव हुए और दोनों ही जगह बीजेपी सत्ता में काबिज होने जा रही है। मोदी 2 गवर्नमेंट जिस स्पीड के साथ, जिस स्केल के साथ और जो सटीकता के साथ चल रही है, मुझे लगता है कि देश की जनता ने इसी के लिए ये पहले 2 चुनाव में भी मोदी जी के साथ रहना, हमारे मुख्यमंत्रियों के साथ रहना तय किया और परिणाम विजय का आया है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का विस्तार होना तय है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास होना तय है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सुरक्षित होना भी तय है। आज
देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से मैं हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस विजय के लिए बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन ने फिर से बहुमत के जादुई आंकड़े को आसानी से पार कर लिया है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन फिर से सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने 105 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि उसके सहयोगी दल शिवसेना के खाते में 56 सीटें आई हैं। एनसीपी ने 54 सीटों पर जीत हासिल की है। एनसीपी का प्रदर्शन पिछले चुनाव के मुकाबले सुधरा है, वहीं कांग्रेस के खाते में 44 सीटें आई हैं। जीत के बाद बीजेपी और शिवसेना के मुंबई स्थित पार्टी कार्यालयों के मुख्यालय में जश्न मनाया गया। ये तस्वीरें हैं उस जश्न की जो दोबारा सत्ता में वापसी के जनादेश के बाद हो रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सत्ता में वापसी तय हो गई है और राज्य में दोनों पार्टियों के नेता जश्न में डूब गए हैं। 2014 में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और बाद में गठबंधन सरकार बनाकर सत्ता हासिल की थी। 5 साल सरकार चलाने के बाद दोनों दलों ने इस बार गठबंधन करके चुनाव लड़ा और फिर से जनता से सरकार बनाने का जनादेश हासिल किया। जीत के बाद बीजेपी और शिवसेना दोनों ने मुंबई में अपने अपने पार्टी मुख्यालयों में जश्न मनाया। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले और सबका धन्यवाद अदा किया। विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में हमारी महायुति को जो एक यश मिला है और लोगों ने जो जीत हमको दी है, उसके लिए मैं महाराष्ट्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जीत के बाद ट्वीट किया, भाजपा शिवसेना गठबंधन में विश्वास प्रकट करने के लिए महाराष्ट्र की जनता का कोटि कोटि अभिनंदन। मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार निरंतर प्रदेश की प्रगति और जनता की सेवा के लिए समर्पित रहेगी। वहीं शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी मीडिया के सामने आए और जनता का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वो अगले 5 साल राज्य के लोगों की सेवा करेंगे। मुख्यमंत्री के सवाल पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी आलाकमान के साथ इस मुद्दे पर बातचीत होगी। अब समय आया है वो जो फॉर्मूला तय हुआ था उसके ऊपर अमल करें। तो मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे साथ अभी मैंने कहा कि बुजुर्ग नेता सब मेरे साथ बैठे शिवसेना के, वैसे भारतीय जनता पक्ष के नेता भी बैठेंगे और जरूरत पड़े तो अमित भाई भी यहां आ जाएंगे और उस वक्त जो तय हुआ था उसकी सबको दिलाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजे कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं लाए हैं। खासतौर पर कांग्रेस के लिए स्थिति चिंताजनक रही। लंबे समय तक महाराष्ट्र की सत्ता संभालने वाली कांग्रेस अपने गठबंधन सहयोगी एनसीपी से भी पीछे हो गई है। राज्य में बीजेपी शिवसेना और एनसीपी के बाद कांग्रेस चौथे नंबर पर है। हालांकि एनसीपी का प्रदर्शन पिछले चुनावों के मुकाबले सुधरा है। एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार ने कहा कि लोगों ने एनसीपी को विपक्ष में ही रखना चाहा है और पार्टी सरकार बनाने का प्रयास नहीं करेगी। सभी का मेरे ख्याल से पराजय हुआ है और एक सबसे बड़ी बात जो हमने देख रहे हैं कि हमारी उम्मीदें बढ़ गई हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ गई है, हमारा मनोबल बढ़ गया है और ये कार्यकर्ताओं को एक संदेश, कांग्रेस के नेताओं को संदेश है, कांग्रेस पार्टी को संदेश है। महाराष्ट्र की जनता की तरफ से हमें अच्छा सहयोग मिला है। कहते थे इससे भी ज्यादा आगे जाने के लिए हमारे प्रयास थे, मगर ये सब और सिचुएशन में हम यहाँ तक पहुँचे, इससे मुझे खुशी है और मैं इसका पूरा क्रेडिट पार्टी के वर्कर और आम जनता को देना चाहता हूँ। राज्य के अहम नतीजों की बात करें तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर चुनाव जीत गए हैं। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं। हालांकि राज्य सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे अपना चुनाव हार गई हैं। एनसीपी नेता छगन भुजबल भी चुनाव जीत गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। फिलहाल राज्य में जनादेश आ गया है, लोगों को अब जल्द ही नई सरकार के गठन की उम्मीद है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। भाजपा ने 40, कांग्रेस ने 31, जननायक जनता पार्टी ने 10, INLD ने 1 और अन्य ने 7 सीटें जीती हैं। बहुमत हासिल न हो पाने के कारण बीजेपी और कांग्रेस ने अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सत्ता की कुंजी काफी हद तक जेजेपी और दलीय के हाथों में चली गई है। बीजेपी ने छोटे दलों और विधायकों से बातचीत शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि सूबे की सत्ता पर अब कौन काबिज होता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य में त्रिशंकु विधानसभा बनती नजर आ रही है।
और किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है। नतीजों के आधार पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, वहीं कांग्रेस भी अच्छी खासी संख्या के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी तीसरे नंबर पर किंग मेकर की भूमिका में आ गई है, तो निर्दलीय और INLD विधायक भी काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर PM मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं हरियाणा के लोगों को आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूं। हम राज्य के विकास के लिए पहले की तरह काम करते रहेंगे। मैं हरियाणा बीजेपी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की तारीफ करता हूं। हरियाणा के नतीजों के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट किया कि गत 5 वर्षों में मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व में खट्टर सरकार ने हरियाणा की जनता के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किए। भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर पुनः सेवा का मौका देने के लिए जनता का अभिनंदन करता हूं। बहुमत हासिल न हो पाने के कारण बीजेपी और कांग्रेस ने अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सत्ता की कुंजी काफी हद तक JJP और निर्दलीय विधायकों के हाथों में चली गई है। बीजेपी ने छोटे दलों और विधायकों से बातचीत शुरू कर दी है। हरियाणा में अभी तक जो नतीजे आए, जो रुझान आए, उसके आधार पर हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं हरियाणा में, और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनेगा और उसमें छोटे दल या निर्दलीय का समर्थन लेकर के सरकार, एक स्थिर सरकार चलाने की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोशिश रहेगी। कांग्रेस पार्टी अपने प्रदर्शन से खुश दिख रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उम्मीद जताई है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हालांकि उन्होंने JJP, INLD और निर्दलियों से अपील की है कि सभी साथ आकर सरकार बनाएं। हरियाणा की भाजपा सरकार के खिलाफ जनादेश आया है, सभी को इकट्ठे होकर सरकार बनानी चाहिए। रुझानों और नतीजों से ये साफ है कि सरकार बनाने में जननायक जनता पार्टी की अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि JJP तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में सामने आ रही है। JJP नेता दुष्यंत चौटाला का कहना है कि कोई भी फैसला सभी सीटों की तस्वीर साफ होने के बाद ही लेंगे। आगे सभी साथियों से चर्चा करके, सारे विधायकों से कल बैठक कर आगे का फ्यूचर सोचते हैं। ये बहुत अर्ली है किसके साथ जाएंगे। मैं तो ये मानता हूँ प्रदेश बदलाव चाहता है, बदलाव जननायक जनता पार्टी। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 2014 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम हो गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भले ही चुनाव जीत गए हैं, लेकिन उनके तमाम बड़े मंत्री चुनाव हार गए हैं। हारने वालों में नारनौंद विधानसभा से वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, कृषि मंत्री OP धनखड़, परिवहन मंत्री रहे कृष्णलाल पंवार और कविता जैन शामिल हैं। फिलहाल नतीजे आ गए हैं, लेकिन लगता है राज्य में नई सरकार बनने में अभी समय लगेगा। हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ साथ 18 राज्यों की 51 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए थे। इन परिणामों में कहीं कहीं भाजपा ने अपनी जमीन बरकरार रखी है, तो कहीं कहीं क्षेत्रीय दलों ने जीत दर्ज की है। हुए उपचुनाव में 18 राज्यों की 2 लोकसभा और 51 विधानसभा सीटें दांव पर लगी थी। गुजरात की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की बात करें तो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अल्पेश ठाकुर को राधनपुर सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं राज्य की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 3 सीटों पर तो कांग्रेस भी 3 सीटों पर जीती है। 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में सत्ताधारी जदयू भाजपा गठबंधन को 1 सीट मिली है, राजद को 2 और 2 सीटें अन्य को मिली हैं। समस्तीपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में रामविलास पासवान के भतीजे और LJP कैंडिडेट प्रिंस राज ने जीत हासिल की है। असम में 4 विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में AIUDF 1 जबकि भाजपा 3 सीटों पर जीतती दिख रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की उपचुनाव वाली एकमात्र सीट चित्रकूट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर हुए उपचुनाव की बात करें तो 11 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी जबकि 1 पर अपना दल जीती है। केरल के 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम में UDF और LDF के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। कांग्रेस को 2, CPM को 2 और मुस्लिम लीग को 1 सीट मिली है। वहीं राजस्थान में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस को 1 और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 1 सीट हासिल हुई है। राजस्थान की खीवसर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, जो भाजपा के राज्य में गठबंधन की साझेदार है। सिक्किम की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई, वहीं क्रांतिकारी मोर्चा को 1 सीट पर सफलता मिली। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया भी गंगटोक से हमरो सिक्किम पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन चुनावी जीत का गोल नहीं कर सके। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना में सत्तारूढ़ भाजपा ने करीब 43% मतों के साथ धर्मशाला और पच्छाद दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दीपोत्सव कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं का फायदा लोगों को मिल सके, इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को सजग रहना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 70 साल के लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को हमें अपने इसी कार्यकाल में पूरा करना है। आप सब लोगन के हमार प्रणाम आवा। आप सब लोगन के सब परिवार दीपावली के मंगल कामना। साथियों, देश में इस समय त्योहार का वातावरण है, उत्साह उमंग का माहौल है। मैं जानता हूं कि आप सब धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, छठ पूजा जैसे उत्सवों की तैयारियों में जुटे होंगे। घर मोहल्ले की साफ सफाई में लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों, मेल मुलाकातों में भी व्यस्त होंगे। इस अवसर पर आप सबसे मिलना मेरे लिए भी बहुत खास हो जाता है। आप कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मेरा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। अब मेरा काम ऐसा है कि मैं छुट्टी तो ले नहीं सकता, लेकिन अपनों से मिलने के लिए, आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए मैं मौका ढूंढता रहता हूं, और इसलिए ये अवसर आज मुझे इस दीपावली के निमित्त टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सबके रूबरू होने का अवसर मिला है। आज के इस अवसर पर जब हम घर में अपनों के बीच दिवाली मना रहे हैं, तब उन लाखों वीर बेटे बेटियों और उनके परिवारों को भी शुभकामना देना हमारा स्वाभाविक कर्तव्य बनता है। अपनी खुशियां मनाते समय हमें उन सबका स्मरण करना चाहिए जो हमारे लिए जीते हैं, हमारे लिए जूझते रहते हैं। कोई सरहद पर होते हैं तो कोई देश के भीतर काम करते रहते हैं। हमारे लिए दिन रात वे खुद को खपाते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, कभी जान की बाजी लगा देते हैं। चाहे हमारे सेना के जवान हो, हमारे अर्धसैनिक बल हो, हमारे पुलिस के साथी हो, और आजकल तो एनडीआरएफ की भी बहुत चर्चा है कि जो कोई भी प्राकृतिक आपदा के समय पहुंच जाते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं, छोटे छोटे श्रमजीवी लोग होते हैं, हमारी अपनी छोटी मोटी चीजों को संभालने वाले कई परिवार होते हैं, जिनके लिए हम सबकी खुशियां ही उनकी खुशियां होती हैं। और इन सभी का योगदान हमारी खुशियों को चार गुना कर देता है। उन्हीं के कारण हम त्योहार मना पाते हैं। मैं ऐसे सबको आज दीपावली के पावन पर्व की शुरुआत में ही प्रणाम करता हूं। उनके परिश्रम को, उनके त्याग को, उनकी निष्ठा को, उनके सेवा भाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्रदेश में उपचुनाव नतीजों में अपनी पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अपने एक दिवसीय दौरे पर कल अमेठी पहुंची। अमेठी के स्थानीय नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से स्वागत किया। प्रियंका गांधी कांग्रेस के अमेठी में नव नियुक्त जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस का नया और मजबूत संगठन खड़ा किया जाएगा और नए संगठन की बदौलत कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी आगे बढ़ेगी। नए अध्यक्ष बने हुए जिले के अध्यक्ष
और इनके साथ हम एक मजबूत संगठन को खड़ा करना चाहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा प्रयास है कि हम एक मजबूत और नया संगठन खड़ा करें। आज धनतेरस का पर्व है, इसी के साथ दीपावली की आज से शुरुआत हो गई। धनतेरस के दिन लोग देवी लक्ष्मी और गणेश की चांदी की प्रतिमा और सोने के आभूषण खरीदते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा का भी खास महत्व है। बर्तन और सोने चांदी के आभूषण खरीदने के लिए बाजारों में खासी रौनक दिखाई दे रही है। आज धनतेरस के साथ ही दीपावली का 5 दिनों का त्यौहार भी शुरू हो जाता है। कल नरक चौदस, रविवार को दीपावली, सोमवार को अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और मंगलवार को भैया दूज का त्योहार मनाया जाएगा। भारत के ऐतिहासिक मानचित्र पर प्रयागराज एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसकी रोशनी कभी धूमिल नहीं हो सकती। त्रिवेणी और प्रयाग नगरी की अविरलता कायम रहे, इसी के लिए राफ्टिंग अभियान दल ने बोट के जरिए संगम का निरीक्षण किया और उसे अविरल बनाए रखने का संकल्प दोहराया। संगम नगरी प्रयाग, यहाँ के ऐतिहासिक बोट क्लब घाट से गंगा राफ्टिंग अभियान दल को पुरस्कृत कर विदा किया गया। राफ्टिंग दल ने उसके बाद बोट क्लब घाट से संगम के तट नदी की निगरानी की। निगरानी में एनडीआरएफ के साथ विशेष टास्क फोर्स ने भी गंगा अविरलता के इस महायज्ञ में अपना हाथ बढ़ाया। प्रयागराज में होने वाले कार्यक्रम पर भी विंग कमांडर ने खूब चर्चा की। एक जागरूकता है कि यहाँ पर जैसे धार्मिक जो स्थल है और एक विश्वास के साथ लोग आते हैं, अब थोड़ा साथ में जिम्मेवारी साथ में लेके आते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और प्रयागराज जैसे जो जगह है इसकी प्राथमिकता है वो काफ़ी है, और हम लोग जो लाखों की तादाद में लोग आए थे, कुछ 1000 लोगों से हम लोगों ने भी संपर्क किया, उनसे बातचीत की और स्टूडेंट से काफी अच्छा इंटरेक्शन रहा। दिल्ली से प्रयागराज पहुंचे नमामि गंगे के कार्यकारी निदेशक जी अशोक कुमार ने भी राफ्टिंग दल का हौसला बढ़ाया। संगम तट के निरीक्षण के लिए बोट से यात्रा की। विशाल गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर संगम पर नदियों को मिलने वाली चुनौती और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दी। हमने 84 घाट्स, ये जो वाराणसी के, उसी में एक पायलट प्रोजेक्ट करके पहले बार घाट सफाई की प्रोग्राम शुरू की थी। 3 साल हो गए, बहुत अच्छे चल रहे हैं, एंड उसके वजह से वहाँ का जो सुंदरता भी बढ़ गया है और लोगों में भी एक भाव अच्छा बढ़ गया कि इसको साफ रखना है। हम तो जो कर रहे हैं, सरकार जो अपने अथक प्रयास कर रही है वो कर रही है, पर ये लोगों के प्रयासों के बगैर संभव नहीं है। अगर वे स्वयं थोड़ा सा अपना मन पक्का कर लें और कुछ चीज़ों को इस्तेमाल से परहेज कर लें, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, सिंगल यूज प्लास्टिक हो गया, गंगा में गंदगी ना फैलाएं, गंगा में अपने कपड़े वगैरह ना छोड़ के जाएं। हर हर गंगे। राफ्टिंग दल ने संगम तट पर माँ गंगा का जयकारा लगाया। संगम का ये तट हमेशा निर्मल बना रहे, इसके लिए संकल्प भी दोहराया। राफ्टिंग दल को यहाँ डॉल्फिन और जलीय जीव जंतुओं का भी नजारा दिखा। कुल मिलाकर त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं की डुबकी से होने वाले प्रदूषण को रोकने और नदी को अविरल बनाने पर भी जोर दिया गया। वाराणसी में गंगा की स्वच्छता की स्थिति को जानने और उसके लिए किए जाने वाले प्रयासों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देवप्रयाग से 10 अक्टूबर को गंगा सागर के लिए शुरू हुई नमामि गंगे की राफ्टिंग टीम अब वाराणसी के 80 घाट पहुंच गई है, जहां टीम के सदस्यों के स्वागत समारोह में राफ्टिंग टीम ने अपने अनुभव साझा किए। नमामि गंगे परियोजना के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि 2014 से 2019 के बीच में भारत सरकार द्वारा गंगा निर्मलता के लिए किए गए प्रयासों से गंगा स्वच्छ हो रही है और लोगों की भागीदारी भी नमामि गंगे में उनकी जागरूकता से बढ़ रही है। राफ्टिंग दल की अगुवाई कर रहे विंग कमांडर परमवीर सिंह ने दूरदर्शन से बातचीत में बताया कि भारत सरकार के प्रयासों से गंगा में अब बदलाव दिखने लगा है, जो एक अच्छा संकेत है, और जलीय जीवों की भी गंगा में अब वृद्धि हो रही है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चेंजेस में देख सकता हूं, सहयोग से ये जो प्रोग्राम किए, पानी की जो क्वालिटी है इसके लिए जो गंगा की क्वालिटी हम शपथ लेते हैं काफी हद तक इम्प्रूव हुई है प्रति व्यक्ति, और वो दिखता है, वो विजिबल है।
बाराबंकी में हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर लगने वाले 10 दिवसीय देवा मेले का समापन हो गया है। जो रब है वही राम है का संदेश देने वाले हाजी वारिस अली शाह के वालिद सैयद कुर्बान अली शाह की याद में लगने वाले देवा मेला के औपचारिक समापन की घोषणा आतिशबाजी के साथ की। कार्यक्रम में शालिनी मिश्रा द्वारा आयोजित कान्हा संघ फूलों की होली से पूरा पंडाल रंग गया। देवा मेला 15 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था। समापन समारोह में देवा के हॉकी मैदान में आयोजित आतिशबाजी प्रतियोगिता में दूर दूर से आए आतिशबाजों की आतिशबाजी को लोग एकटक आसमान की ओर निहारते रहे। देवा मेले में देश के कोने कोने से जायरीनों ने हाजी वारिस अली की दरगाह पर जियारत की। होता है बाबा की कृपा है, बाबा की दया है कि मेला इस बार भी इतना ही सफल रहा। इतने ही और भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए और यहाँ से संतुष्ट होकर गए हैं और बहुत खुशी का होने वाली है। 24 तारीख को इसका समापन भी जो है और अगले साल की इच्छा रहेगी कि अगले साल भी इसी प्रकार से और भी भव्य होगा। बहुत बहुत अच्छा लगा आज के कार्यक्रम को समापन करते हुए और मेरी यही आशा रहेगी कि बाराबंकी का नाम जैसे इस प्रकार से देवा। आजमगढ़ में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की पहल पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 2 दिवसीय ग्राहक उन्मुखी कदम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में यूबीआई के महाप्रबंधक शैलेश कुमार सिंह और आजमगढ़ के जिलाधिकारी एनपी सिंह द्वारा ग्राहकों को मौके पर 101,53,00,000 रुपए के ऋण वितरित किए गए। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट भवन में आयोजित इस ग्राहक उन्मुखी कदम कार्यक्रम में जिले के सभी सार्वजनिक और निजी बैंकों में 2,988 ऋण के आवेदनों के तहत 2,592 ग्राहकों को मौके पर ही ऋण वितरित किए गए, जो सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित थे। इसके तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन, मुद्रा लोन और स्टैंडअप स्टार्टअप के साथ कुछ और रोजगार परक कार्यों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिले का लीड बैंक है। लोगों को बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने और ऋण साख स्वीकृत करने का एक बड़ा कार्यक्रम था। इसमें एनआरएलएम की महिला समूहों को, युवाओं को मुद्रा लोन, स्टार्टअप स्टैंडअप और कुछ रोजगार के लिए जो ऋण स्वीकृत हुए हैं लगभग 101 करोड़ के स्वीकृत हुए हैं और 86 करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ है। ये इसलिए रखा गया था कि फ्यूचर में ये मूवमेंट के रूप में लोगों को रोजगार से जोड़ने में, वित्तीय उपलब्धता कराने में मदद करें। दम उठाए पहल था ये कि हर ग्राहक को इकट्ठा किया जाए, हर बैंक एक जगह पर रहें। इसमें नए भी ग्राहक थे, नए इंटरप्रेन्योर थे और इसमें कुल हमारे यहाँ से जो 2,988 एप्लीकेशन रिसीव हुए 2 दिन के दरमियान, 125 करोड़ रुपए का उसका वैल्यू था, जिसमें से 2,592 सैंक्शन किए गए, 101 करोड़ रुपया का सैंक्शन था। डिसबर्समेंट हमारी 86 करोड़ हुई 2,118 अकाउंट में, जिसमें से यूनियन बैंक का 50% कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि हम लोग अग्रणी बैंक हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी अच्छा रहा। जिलाधिकारी महोदय इसमें खुद आए थे तो उन्होंने भी अपनी सोच बताई, उसमें हम लोगों की ये पहल और अच्छी होगी। ऐसा अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीतकर दबदबा बरकरार रखा। समाजवादी पार्टी ने 11 में से बाकी बची 3 सीटें जीतकर चुनौती पेश की। चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता की भलाई में नहीं छोड़ी जाएगी कोई कोर कसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के भाजपा कार्यकर्ताओं से किया सीधा संवाद, कहा